दैट ऑब्जेक्ट, उसकी जो कंजर्वेशन के बेसिस पे आपने काफी प्रॉब्लम्स बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। देयर इज वन मोर इन कंटिन्यूएशन विद दैट बेटा। इस केस में आपको कहा गया है कि एक बॉल है बेटा, मैं न्यूमेरिकल पहले लिख देता हूं, देन वी विल बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट बेटा। ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर हाई टावर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हाफ वे डाउन बेटे, हाफ वे डाउन। ये चीज बेटे आपको दी गई है, बॉल है 200 ग्राम का, उसका मास आपको प्रोवाइड किया गया है, 20 मीटर की हाइट है टावर की, जिस टावर से आपने उसको ड्रॉप किया है, एंड वी इंटेंड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हाफ वे डाउन। तो डायरेक्टली टू वेज हैं, या तो आप काइनेटिक एनर्जी वर्कआउट कर लीजिए आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी हाफ वे डाउन, या अदरवाइज आप टॉपर एंड मिड वे डाउन इसकी एनर्जी टोटल निकाल लीजिए और उसमें से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दोगे तो अपने आप आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है ये निकल आएगी। वी विल बी कंपेयरिंग दैट विद द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। लेट अस प्रोसीड बेटा। ये इमेजिन कर लीजिए बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया है, दिस इज एट द टावर हैविंग ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, और 20 मीटर की हाइट से जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो मिड वे डाउन, इमेजिन करिए ये यहाँ पे पहुंच गया है, 10 मीटर इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड रेस्ट 10 मीटर मोर इट इज रिक्वायर्ड टू कवर। सो उसके लिए हम बेटे पहले इस पॉइंट पर इसकी टोटल एनर्जी टॉप पे निकाल लेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट द टॉप। दिस इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो चलिए इस पॉइंट पे जो है वो जीरो ही होगी, बिकॉज आप ड्रॉप कर रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी इट मस्ट बी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। मास 200 ग्राम है, इसके हमने किलोग्राम बना लिए, जी 10 है, एच दिस इज गिवन टू बी बेटे 20 मीटर बेटे। तो आप क्या करिए कि इस हाइट पर जो टोटल एनर्जी है इसको सिंपली बेटे बाय कैलकुलेशन वर्कआउट कर लीजिए। 1, 2, 3 ये जीरोस आपकी कैंसल आउट हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू 40 जूल्स। आपका जो टोटल एनर्जी पोजेस कर रहा है बॉल एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, ये 40 जूल्स के बराबर एनर्जी है। एक बार फिर से चेक करिएगा, ये 200 ग्राम के किलोग्राम बना लिए, जी को 10 लिया, एच आपका ऑलरेडी 20 है, तो ये आपकी तीन जीरो एडजस्ट हो गई, 40 जूल्स के बराबर आपकी टोटल एनर्जी निकल आई। नाउ बेटे हाफ वे डाउन आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इट विल बी इक्वल टू एम जी एच डैश, दिस इज एच डैश हाफ वे डाउन। ये आपके पास बेटे जो है ये हाफ वे डाउन, ये आपके पास बेटे 10 मीटर्स के बराबर आ जाएगा। मास दिस इज 200 अपॉन 1000, जी 10, एच डैश इज आल्सो 10। ये सब्स्टिट्यूशन करिए, 1, 2, 3 ये तीनों जीरोस कट गई, 20 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे आपके पास ऑब्जेक्ट की निकल आई। अब बेटे आप टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल को माइनस कर दोगे तो डेफिनेटली बेटे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन कितनी बन गई, 40 जूल में से 20 जूल्स को माइनस कर दिया, दिस इज 20 जूल्स।
But we intend to calculate the velocity, not the kinetic energy halfway down. So velocity calculation के लिए आप इसको kinetic energy को इसके expression से divide कर दीजिए. 1 by 2 mv square, this is equal to 20 joules, and 1 by 2 mass, this is 200, और ये इसके आपने किलोग्राम बना लिए, v का square, this is equal to 20, ये दो zeros getting cancelled, 2 is also getting cancelled, v का square, आपके पास 200 बन गया, और v will be equal to 10 root 2 आपका 1.414 होता है, 14.14 meter per second will be the velocity of the object halfway down. बेटे clear to all बेटा, check करिएगा सारे students एक बार, all of you are getting the answer or not बेटा? हाँ जी बेटे, लवलीना बोलिए बेटा, you want to say something? Yes बेटे. सर 10 root 2 वाला कैसे कैलकुलेट किया आपने? देखिए पुत्र, ये आपके पास 200 था, आप इसको ऐसे लिखिए, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू 100 कर लीजिए, v इज इक्वल टू √2 इनटू √100 कर लीजिए, दिस इज √2 इनटू 10 कर लीजिए, राइट बेटे? लवलीना बेटा, ओके ठीक है बेटा, राइट, समझ गया मैं आपकी बात. चलिए देन बेटे आगे, नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम कंसेप्ट बेटे. चलिए बेटे इसको भी डिस्कस करें, देखें कि किस तरीके से हम बेटा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करके इस चीज को भी वर्कआउट कर सकते हैं. लेट अस प्रोसीड फर्दर बेटा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा, लेट मी रब दिस पार्ट, लेट मी क्लियर दिस पार्ट, देन वी विल बी गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट बेटे. सो आइए देखें बच्चों, ये बेटे टाइप काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी रहा. क्वेश्चन नंबर 2 डाल लीजिए आप. क्वेश्चन इज बेटे, ए बॉल ऑफ मास 1 kg, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 meters, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 1 meter. नहीं बेटे 1 meter नहीं, 5 meter है, sorry. A ball of mass 1 kg is dropped from a height of 5 meters. Find the kinetic energy of the ball just before it reaches the ground. Find the kinetic energy of the ball just before it reaches the ground. साथ ही साथ आपको कहा गया है, what is the speed at this instant beta? Right beta, what is the speed at this instant beta? दो चीजें पुत्र आपको बोली गई हैं, एक तो आपको उसकी kinetic energy just before it reaches the ground उस point पे निकालना है, secondly आपको बेटे ये बताना है कि आपकी उस time पर जो object है उसकी speed कितनी हो. So let us बेटे work this out बेटा, how we can get this calculated. 1 kg मास है बॉल का, हाइट आपके पास है,
जितनी टॉप पर इसकी टोटल एनर्जी है उतनी ही बॉटम पर टोटल एनर्जी होगी। टॉप पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, बॉटम पर टोटल एनर्जी जो है दैट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बेटे। सो वी विल से दैट बेटा इमेजिन करिए ये बॉल है, मास इसका 1 kg, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हेयर से दैट इट रीचेस द ग्राउंड राइट बेटे दिया गुड। ये आपका जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड का सिचुएशन है। इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, एम जी एच कर दीजिए, एम 1 kg, जी 10, एच 5, ये 50 जूल्स के बराबर है। बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी आपका 50 जूल्स के बराबर होगा, because energy can neither be created nor it can be destroyed, but one form of energy is converted into the other form as it is visible over here. So aap kya kariye, isko jo aapka formula hai 1/2 mv² iske sath compare kar dijiye, right ji? To 2 ko aap is taraf shift kar dijiye, mv square is equal to 100, mass bete jo hai 1 kg hai, V का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड V आपके पास आ जाता है बेटे 10 m/s। सो ये आपको निकालना था। वेलोसिटी अर्शप्रीत कुछ कहना चाहता है बेटे, बोलिए बच्चा। बेटे अर्शप्रीत सर, हरगुण इज सेइंग दैट ही इज इन वेटिंग रूम। एक मिनट, एक मिनट, वेटिंग रूम में कौन है? ठीक है, हरगुण। ओके 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 ओके, ठीक है, हो गया बेटा। थैंक यू बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस वे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई बेटे दिक्कत वाली बात है तो बताइए, ऑल ऑफ यू बेटा। डियर चिल्ड्रन सारा क्लियर हो गया जी? ठीक है बेटा, चलिए देन बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डायग्राम अलग से बना हुआ है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस विदा। आइए देखें, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 डाल सकते हैं आप और देखें कि कैसे हमने बेटा ये करना है। आइए देखें बेटा, थर्ड, a block of mass 30 kg is pulled up by a rope as shown in the figure with a constant speed by applying a force of 200 newton parallel to the slope beta। aiye bete dekhen, aapko ek diagram diya hua hai unhone is tarike ka, ये ऐसे और ऐसे बेटा, दिस वे। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है इन दिस मैनर और यहां पे फोर्स अप्लाइड जो है दिस इज 200 newtons, राइट जी बेटे? So, a block of mass 30 kg is pulled up by a rope. हाँ जी बेटे, मैं लिख देता हूं, लेंथी है बेटे स्टेटमेंट, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था। ए ब्लॉक, चलिए मैं लिख ही देता हूं, ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg is pulled up by a rope, is pulled up by a rope as shown, ये डायग्राम में शो किया गया है।
with a constant speed by applying a force of 200 newton parallel to the slope. With a constant speed by applying a force 200 newton parallel to the slope. ठीक है जी. A and B are the initial and final positions of the block. A and B are initial and final positions of the block. ये दोनों positions आपको दी गई हैं. What we have to do further? Calculate the work done by the force in moving the block from A to B. A part है. Calculate the work done to move the block from A to B. A से लेकर B तक. अच्छा ये बेटे आपको दिया हुआ है 3 meter. ये है 1.5 meter. ये भी डायग्राम में. यस करते जाइए बेटे. गुड. बी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक. पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक. ये बच्चों बी पार्ट है. सी पार्ट है डियर चिल्ड्रन. राइट बेटे ठीक है. Account of the difference in the work done by the force and increase in the potential energy of the block. इसको रहने दीजिए. ये part irrelevant सही है. इसकी कोई है नहीं इतनी जरूरत. आइए देखें ये दो parts आपके क्या है, कैसे आपने calculate करने हैं बेटा. Right बेटे right. ठीक निकाला आपने बेटे. Good. Very good बेटा. चलिए फिर भी बेटा मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूं. आप सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा बेटे. ऑल ऑफ यू नाइस बेटे. आपका ए पॉइंट ये है स्टार्टिंग पॉइंट. ये बी आपका एंडिंग पॉइंट है. आप इस तरीके से फोर्स जो है ये बेटे अप्लाई कर रहे हो. आपने जब फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से, सी द डायग्राम केयरफुली. जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है डिस्टेंस कवर्ड बेटे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही है. तो डियर चिल्ड्रन वर्क डन आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा आपने किया हुआ है. तो थीटा तो बच्चों यहाँ पे जीरो ही है क्योंकि एफ और एस एक ही डायरेक्शन में है. एफ एस के बराबर आ जाएगा एंड इट विल बी फोर्स इज योर 200 न्यूटन. डिस्टेंस कवर्ड आपके पास बच्चों 3 meter का है. तो 600 जूल्स आपने वर्क किया जब आप इसको ए से बी तक शिफ्ट कर देते हैं. अब बी पार्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक. जब आपका ब्लॉक इस लेवल पे है, इस लेवल पे यस बेटा, तो इसके पास हाइट जीरो है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. जब ये बी पॉइंट पे पहुंच गया तो हाइट इसने गेन की 1.5 मीटर्स के बराबर. सो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड दिस इज इक्वल टू एम जी एच. मास आपके पास बेटे जो है ब्लॉक का ये आपको दिया हुआ है 30 किलोग्राम. जी को टाइम ले लीजिए. हाइट आपका 1.5 मीटर आपको गिवन है. ये आ जाएगा 450 जूल्स के बराबर आपका जो है वर्क डन यहाँ पे आपको मिल जाएगा. सो डियर चिल्ड्रन इसको एक बार देखिए. कोई पॉइंट किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता चला तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा. गुरजात हरगुन हरनूर रोल नंबर 17
17 रोल नंबर, ठीक है बेटे, ठीक है जी। चलिए बेटे आगे चलें, रोल नंबर 7, एक मिनट बेटे, एक मिनट, एक मिनट, सो डियर चिल्ड्रन आइए आगे चलें विद द नेक्स्ट डिस्कशन, वंस अगेन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have further another important point to be discussed. आइए देखें बेटे, complete करें इसको भी। आइए बेटे देखें कौन सा हमारा next है concept. Again बेटे आपको मैं स्टेटमेंट पार्ट लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल है दिया हुआ आपको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इज एट some height from the ground, ठीक है जी। If the potential energy of the object is, if the potential energy of the object is 480 joules, 480 joules, find the height of the object above the ground, find the height of the object above the ground, ग्राउंड से कितनी हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है। वेरी गुड बेटी, वेरी गुड, वेरी नाइस रमनीक, गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटे एक बार देखिएगा, मुश्किल नहीं, सिंपल काम है, इजीली हो जाएगा। दिया, अश्मित, गुरजाप, हरगुन, हरनूर, जसकरण एंड ज्योतिन, दीप सिंह, पूर्वी, गुड बेटा, आंसर ही चेक करिएगा एक बार, पूर्वी आंसर ही चेक करिएगा, अर्शप्रीत कौर, वेरी नाइस, गुड बेटे, गुड गुड गुड, पनिका, ठीक है बेटे, सारे बच्चों का ठीक है। पूर्वी एक बार अपना आंसर ही चेक करिए आप और बताइए, लवलीना, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, राइट। बाकी स्टूडेंट्स, आशिता, ठीक है बेटा, आशिता, सॉरी आशिता नहीं, आशिता, ठीक है। चलिए मैं भी कर देता हूं, आप लोग देखिएगा बेटा। देन एक ऑब्जेक्ट है 12 kg इसका बेटे मास है, ठीक है बेटे, अब और इसकी एनर्जी आपको दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, तो यू विल बी राइटिंग दैट की मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है 12 kg है, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जो है 480 joules है, आपको हाइट निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी बेटे mgh होता है, h आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg, और बेटे पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बेटा g 480, मास आपके ऑब्जेक्ट का 12 g 10, this is with a 4 meters, this way you can calculate. I hope the things are clear to all now. Koi mushkil kaam nahi, seedhi seedhi baatein hain. Chaliye bete aage chale, then
let us focus upon another numerical video. A spring is compressed by a toy cart of mass 150 gram. A spring is compressed by a toy cart of mass 150 gram. On releasing the cart, it moves with the speed of, a speed of 0.2 meter per second. Calculate the elastic potential energy of the spring. So, बच्चों, statement part ध्यान से पढ़ो, सोचो और बताओ कि क्या करें, कैसे solve करें इसको, क्या answer आना चाहिए? Elastic potential energy का ये itself पहला numerical है जो आप कर रहे हो. ये बेटे 3 जूल जा रहा है. ठीक है बेटा, आपने किया, अच्छी बात है, गुड. एक बार समझ लीजिएगा बेटे, जब आप, हां जी बेटे अर्शप्रीत कौर, बिल्कुल ठीक है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर देते हो. ठीक 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 बेटे, कंप्रेस करने के बाद आप जब रिलीज करते हो तो टॉय कार मूव करेगा कुछ वेलोसिटी से. जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली दिया, एक बार कैलकुलेशन चेक करना, जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा उसके अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी निकाल लो. काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द टॉय कार इज इक्वल टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, ये बेटे आपके टॉय कार की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी. इट विल बी 1/2 मास 150 ग्राम का है, इसके किलोग्राम बना लेने हैं. वी 2.2 है ना, इसको 2/10 लिखो, ये उसका हो गया स्केयर, राइट जी. अब सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक जीरो आपका यहां पे कट गया, एक टू भी कट गया. 15 2s are 30 डिवाइडेड बाई 10^4, ये आ गया 30 10^-4, ये आ गया 3 10^-3. जाओ चेक करिएगा सारे बच्चे, कोई नई बात पता चली तो बताइए. यस दिया, अब ठीक हो गया आपका. कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. बाकी स्टूडेंट्स भी रीचेक करिए बेटा, ऑल ऑफ यू, अर्शप्रीत, अश्मित, दिया, गुरजाप, हरगुन, हरनूर, जसकरण, ज्योतिनदीप सिंह, लवलीना, आस्था, अर्चिता, अर्शप्रीत, सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं. All the students, Aryan, Kohli, roll number 2, Vaibhav, 42, Sarthak, 38, Ishita, 19. Good, beta. So, ये आपका elastic potential energy का बेटे concept था. अब बेटे, आगे next मैं नहीं लिखूंगा, because आपका टाइम जो है ब्रेक का हो गया है. कोई आपका पॉइंट है पूछने वाला तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटे, बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, ऑल क्लियर, ऑल वेल बेटा, थैंक यू ऑल बेटा, फिर नेक्स्ट टाइम बाकी का काम करेंगे. थैंक यू ऑल बेटे, डियर चिल्ड्रन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. साथ साथ बेटे काम करते जाइएगा, लिख लिख के करते जाइएगा बेटे.